आप हमें जान जाएंगे। नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। इस बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करा रहे हैं जो अपने उत्तेजक बयानों और कट्टर विचारों के कारण अकसर चर्चा में रहते हैं। लगभग 3 दशक पहले एक छोटा सा संगठन बनाकर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और आज पूरे महाराष्ट्र में उनका हुक्म चलता है। कहने को तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथ में है और शायद यह सच भी है। उनके तौर तरीकों के कारण कुछ लोग उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं तो कुछ डिक्टेटर, पर उनके समर्थक उन्हें महाराष्ट्र की शान मानते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं शिवसेना के सेनापति बाला साहब ठाकरे से। अपने शुरुआती करियर में कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर राजनीति और राजनेताओं पर व्यंग करने वाले कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे आज शिवसेना प्रमुख की हैसियत से महाराष्ट्र की राजनीति को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। सच कहा जाए तो आज पूरे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की तूती बोलती है। कहा जाता है कि उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को उनकी शिवसेना के मिलिटेंट सैनिकों द्वारा तुरंत शांत कर दिया जाता है, चाहे वो आवाज किसी पत्रकार की हो या फिर उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। अपने पॉलिटिकल एंड्स को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले बाल ठाकरे अगर आज महाराष्ट्र में सत्ता के शीर्ष पर हैं, तो ये उनके गजब की सूझबूझ का ही परिणाम है। उनकी खासियत है कि वे समय के नब्ज को पहचानते हैं। पहले महाराष्ट्र के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने का नारा लगा, फिर बजाओ पुंगी हटाओ लूंगी सरीखे नारे से साउथ इंडियंस के खिलाफ जिहाद छेड़कर उन्होंने महाराष्ट्रियन साइकी को अपने पक्ष में किया। छत्रपति शिवाजी को अपना आइडियल बनाना उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था। बाद में महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए उन्होंने मिलिटेंट हिंदुइज्म और मुस्लिम विरोधी रुख अख्तियार कर लिया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। आज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में शासन कर रहा है। भारतीय राजनीति के दुर्वासा समझे जाने वाले बाल ठाकरे कब किस पर अपना फरमानी फतवा थोक दें कहा नहीं जा सकता। अपने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के कारण उनके खिलाफ देश की कई अदालतों में मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाले बाल ठाकरे को परोपकारी तानाशाही का विचार भाता है और वे हिटलर के खासे प्रशंसक हैं। उग्र और तानाशाह वाली छवि के कारण ही उनके समर्थक उनका आदर करते हैं। हालांकि बाल ठाकरे उग्र हिंदुवाद की बात करते हैं, लेकिन उन्हें जनेऊ और चोटी से सख्त परहेज है। अभी आपको हिटलर की पॉलिसीज क्यों पसंद है? आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है? नहीं, मुंबई के क्यों अभी कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूं। पूरे देश का हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूं? क्या वो ठीक है? वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। बिल्कुल, जो स्ट्रेट ड्रेस की बात करें तो यही लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिमा है, प्रतिभा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। आप तो डिक्टेटर जैसी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है? ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आपकी जो आप जो पाप करते हैं, सीन्स, यू आर गोइंग टू हाइड दो सीन्स अंडर द गार्ब ऑफ कॉलिंग दैट एज अ डेमोक्रेसी। बंबई के लोग इतना आपसे डरते क्यों हैं? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या उपयोग फायदा? आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, बोले आम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो, तो शेर को नहीं डरते तो कैसे बात हो? शेर कहाँ क्यों कहें? ये गर्व से मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ। और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपसे बहुत डरते हैं, आप रोक देते हैं कि फिल्म नहीं है, जानी चाहिए तो फिल्म नहीं चलती। नहीं 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 नहीं, यो देखो ये डरते नहीं है किसी को, आप जाके पूछो, मैं नाम देता हूँ, पूरे के पूरे लिस्ट देता हूँ, जाके पूछो वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। वो तो कहते हैं कि बाला साहब से पंगा लेके क्या करना, कहीं मेरी फिल्म बंद करवा दी, सिनेमा में रिलीज नहीं होने दी तो मुश्किल आ जाएगी। अरे आराम से रोजी रोटी कमाते हैं, आराम से खाते हैं, और फिर भी डर होती है आपके मन में, कैसी बात? और डर होते तो क्यों रहते हैं आप लोग? सिनेमा वर्ल्ड में छत्रपट सेना है आपकी,
बाकी जगह उद्योगों में कामगार सेना है, तो हर जगह आपके लोग बैठे हैं, कहीं कुछ हो तो लोगों को एक डरा धमका के रखने के लिए। नहीं, ज़्यादा कोई शाना बने तो हमारी कोई बात नहीं होती, और दूसरे भी यही बात बर्ताव करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते? आई एम फॉर द पीपल एंड आई वुड लाइक टू लिव विद द पीपल। ऐसा तो नहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? यही एक मुसीबत लोगों में होती है कि आप उसकी कोई तारीफ नहीं करेंगे ना कुछ, कैसे कि देखो दुनिया में हिंदुस्तान में एक ही आदमी ऐसा निकला कि जो कुर्सी का कोई मोहित नहीं है, कोई उसका मोह नहीं है उसको, बस छोड़ दिया। अब आजकल तो कुर्सी छोड़ना मुश्किल होता है, मैं खुद ब खुद छोड़ के मेरे आदमी को बिठा दिया है कि चले आगे बढ़ो। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह से सरकार चलाते? फ़र्क क्यों है, क्या कुछ नहीं पड़ता है इसमें, मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं, तो टीवी चैनल्स यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? देश के हित के लिए बनना पड़ेगा, मगर साफ सुधरा करने के लिए कोई करनी पड़ेगी बड़ी, यानी कि मर्सिलेसली वन हैज टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बनके पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यह नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। कट्टर हिंदुवाद के समर्थक बाला साहेब ठाकरे अक्सर भगवा कपड़े धारण करते हैं। उनका ज्यादातर समय घर पर आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने में ही गुजरता है। बाल ठाकरे से भय या फिर उनके प्रति आदर के भाव के कारण उनसे मिलने आने वाले उनके पैर छूना नहीं भूलते। क्योंकि बाल ठाकरे छत्रपति शिवाजी को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए शिवाजी के जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे भी कई राजनीतिक समारोह में हिस्सा लेती हैं और शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं के लिए वो एक पेट्रन की तरह हैं। अच्छा, परिवार को आप कितना वक्त दे पाते हैं अपने परिवार को, क्योंकि आपके पास इतनी भीड़ लगी रहती है, राजनीति इतनी होती रहती है? कल 2 बज गए, मेरी बीवी की तबीयत एकाएक थोड़ी बिगड़ गई थी ना, वो सो सकी ना मैं सो सका और यहाँ आना पड़ा। बट शी इज़ ऑल राइट नाउ, मगर लेकिन उनको घर में रख के मैं यहाँ आया हूँ। और शिकायत तो नहीं रहती होगी कि आप दिन भर लोगों के बीच में? शिकायत करने के बाद भी क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं? एक बार तो ये सवाल हमने उठाया है, मिशन ली है, तो पूरी ही करनी पड़ेगी। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज़्यादा खाता हूँ तो फिट रहता हूँ। पूना में आपने पब्स बंद करवा दिए, क्या बम्बई में भी बंद करवाएंगे? मैंने नहीं किए, बात है इसे कि एक प्रोग्राम के बाद जब भी मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था, उस वक्त गोपीनाथ मुंडे मुझे मिला, उन्होंने कहा कि बाला साहब अभी एक ऐसी खबर आई है कि यहाँ एक कोई पब्स चलते हैं और वहाँ यानी कि ये जवान लड़के और लड़कियाँ नंगे नाच करते हैं, सिगरेट ये करते पीते हैं, ये वो गर्द के होती है ब्राउन शुगर की पता नहीं। मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए, तो मैंने कहा कि ये आपके कोई निश्चित खबर हो, इन्फॉर्मेशन हो तो बैन कर दो ये पप को। पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को? हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं है। आप भी बियर पीते हैं? सर, आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं, क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग? मैं इतना नहीं कि भाई चलो ये भी नहीं है वो भी नहीं, बस शादी भी क्यों की वो भी छोड़ दो। मेरा स्वभाव जैसे मेरे पिताजी थे वैसा मैं हूँ। ये ढोंगबाजी या व्हाट यू कॉल हिपोक्रेसी, ये मैं हमारे घराने में नहीं, बिल्कुल नहीं।
इंग्लिश डेली, फ्री प्रेस जनरल में बतौर कार्टूनिस्ट अपना करियर शुरू करने वाले बाल ठाकरे राजनीति के इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, आइए देखें रूबरू के इस भाग में। खुद को शेरे महाराष्ट्र कहलाना पसंद करने वाले 68 वर्षीय बाल ठाकरे न तो अपनी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं और ना लिखवाना। उन्हें अपना बायोडेटा देना भी पसंद नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि उनके व्यक्तिगत संगठन शिवसेना का विस्तार ही उनका बायोडेटा है। 3 दशक से भी पहले युवा कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे ने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी छोड़कर एक मराठी साप्ताहिक मार्मिक का प्रकाशन शुरू किया। 6 वर्ष बाद 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया। मराठा अस्मिता का सवाल उठा बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिवसेना का विस्तार करना शुरू कर दिया। उग्र हिंदुवादी और मुसलमान विरोधी रवैये ने उनके संगठन की जड़ें और अधिक मजबूत कर दी। जैसे जैसे शिवसेना ताकतवर होती गई, उसे एक नए मुखपत्र की जरूरत महसूस हुई, लिहाजा बाल ठाकरे ने सामना का प्रकाशन शुरू किया। ठाकरे ने हिंदुवादी नारे को 80 के दशक के मध्य में चरम पर पहुंचा दिया। नतीजतन शिवसेना का विस्तार महाराष्ट्र में चारों तरफ हुआ। इस संगठन ने पहले मुंबई की महानगर पालिका, फिर ठाणे और औरंगाबाद पर कब्जा कर लिया। 1990 के विधानसभा चुनावों में उसने भाजपा से तालमेल करके 52 सीटें जीती, लेकिन 90 के बाद शिवसेना के सेनापति का करिश्मा कम होने लगा, लिहाजा शिवसेना को प्रत्येक चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद बाल ठाकरे ने अपने मुस्लिम विरोधी तेवर ज्यादा तेज कर दिए। परिणाम स्वरूप 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब रहा। जब आप आरएसएस में पहले थे तो आपको शिवसेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उस वक्त तो जब जो मैं बच्चा था उस वक्त तो पूरी कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि वो आरएसएस क्या है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही, उसमें कहीं कमी रह जा रही, इसीलिए एक दूसरे संगठन की जरूरत पड़ी? मेरे में और आरएसएस में एक ही फर्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती, यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। कोई दंगा फसाद करने का सवाल नहीं है, मगर देश की कोई हिफाजत होनी चाहिए, तो मैं हमेशा आगे का देखता हूँ। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई यादव युद्ध आने वाला है, आएगा ही आएगा, सिविल वॉर। नहीं, सिविल वॉर का नतीजा क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक एन अनरेस्ट। लोगों के मन में जो एक हवा दब जा रही है, दबी हुई है, वो विस्फोट से बाहर आएगी। अभी आपने कहा कि हिंदूज में मिलिटेंसी होनी चाहिए और ये लाठी से काम नहीं चलता, राइट? तो आपको लगता है कि गोला बारूद, हथियार, स्टेन गन, AK-56 ये रखना चाहिए? नहीं, गोला बारूद का ये सवाल नहीं है। कोई मिलिट्री में वो जो जवान है हमारे, वो भी मिलिट्री में जाने चाहिए। उनको उसका महत्व उनको समझना चाहिए कि मिलिट्री में ज्वाइन करने से देश का कितना फायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दुश्मन कैसा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर कौन किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमैन यू मस्ट बी अलर्ट। अच्छा, जिस कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी देश बच जाएगा। ISI का प्राइम टारगेट मुंबई है, इसमें दोबारा कोई बम विस्फोट ना होने पावे, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपने लिए? इस वक्त तो वो कोई थोड़ी हिम्मत करे तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको, ये तो सच है, सही है, बहुत ही महंगा पड़ेगा। बिकॉज एट दैट टाइम वी आर अनअवेयर, तो उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान मिला, चलो चुपचाप बैठो, आराम से रहो, हम आप नूरजहान को सुनो, हम हमारे लता मंगेशकर को सुनेंगे, आशा को सुनेंगे, और क्या चाहिए आपको। मन में उनकी जो एक दुश्मनी है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लता मंगेशकर को सुने और आप गुलाम अली को सुने तो उसमें क्या फर्क है, क्या परेशानी है? इससे पहले तो हम सभी का मान रखना चाहते थे, यानी कि इमरान, कोई मियांदाद हो और कोई हो, बड़े अच्छे खिलाड़ी है वो। ये खिलाड़ी है तो भी जब वो कोई मजहब की बात करते हैं, यानी कि कहो वो कहते कि ये हम जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं तो जिहाद पुकारते हैं,
तो जी भाई जिहाद की बात करते तो हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स नहीं है, मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए मैंने उनको विरोध किया कि याद रखो सले हमारे तुम यानी कि ज़मीन पर अब पाँव रखे तो। जैसे बम्बई में तो आप रोक लेंगे, पिच खोद देंगे या मैच नहीं होने देंगे, बाकी देश में तो हो सकता है, वहाँ से उसे ना क्या नहीं करेंगे? मैंने रोका जम्मू तक जो हमारे लोग बैठे हैं वहाँ, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे देखो ये होने वाली है मैच, रोको, नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु के लोगों को मेरा मुझे फ़ोन आ गया, मैंने कहा कि नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। देखो आप, बाल ठाकरे जिस एक कारण से सबसे अधिक विवादों में रहे हैं वह है उनका एंटी मुस्लिम एटीट्यूड। हालांकि ठाकरे बार बार यह भी कहते रहे हैं कि वह केवल उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ हैं जो या तो प्रो पाकिस्तान हैं या बांग्लादेश से आकर बस गए हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बॉम्बे में हुए दंगों के दौरान भी बाल ठाकरे और उनके शिव सैनिकों पर गंभीर आरोप लगे थे। बाल ठाकरे साहब को मैं मुस्लिम विरोधी भी मानता हूं और मेरे नज़दीक चूँकि वो सेकुलरिज्म के भी बहुत खिलाफ हैं, इसलिए मैं सेकुलरिज्म विरोधी भी मानता हूं उनको, और इस माने में मैं समझता हूं कि वो देश विरोधी भी हैं। अगर वास्तव में कोई विदेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में किसी तरह से घुस आया और जिससे देश को खतरा है, उसको निकालने में कभी कोई आदमी एतराज़ नहीं करेगा, लेकिन किसी एक जाति बिरादरी को परेशान करने के लिए, या ऐसे भी वहाँ से बहुत सारे उदाहरण आए कि जो लोग बेचारे बरसों बरस से वहाँ रह रहे हैं और उनको सिर्फ इस नाम से परेशान करने के लिए अगर इस तरह की बात कही जाती है, मुहिम चलाई जाती है, तो निश्चित रूप से एक उसको राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं और एक बदनीयति का उदाहरण भी कहा जा सकता है। उनका कहना यही है कि आप जिस धरती में रहते हो, जिस धरती का खाते हो, जिस धरती आपकी आपकी सेवा करती है, जो देश आपकी जिसे हम माँ कहते हैं, मातृभूमि, यू हैव टू बी टोटल नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, उसके अगेंस्ट है वो। हमारे देश में बांग्लादेश के और पाकिस्तान के नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना हमारे परमिशन से रहे, ये कैसा सहा जा सकता है? बाल ठाकरे जी ने जो कहा है उससे सरकार पूरी तरह से सहमत है। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा, इससे क्या मतलब था? मैंने कहा कि जाति जमाते की जो भी कौम हो, ये कहाँ कहा कि मुसलमान हो उसके कौम हम ख़त्म करेंगे। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे, वो हम ख़त्म करेंगे। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले, हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर से, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है, जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। नहीं, आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है आप उसके खिलाफ हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों के एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है, तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें भाई? ये हमारे देश में देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको, रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है, चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो हिम्मत नहीं कहें बताएं तो हमें उनको उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कोई भी हो, वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो भी मैं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूँगा वो। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी? ये देश किसका है ये पहले बताइए, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है, यहाँ के कोई कानून होते हैं, और क्या हम नहीं चले उस कानून के रास्ते से? तो महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप हम तो करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे।
हम बकवास नहीं करें करें बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे आप महाराष्ट्र में बिल्कुल इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हम क्या बुरी कर रहे हैं कोई सरकार तो कोई उखाड़ नहीं दे रहा है तो एनीथिंग दैट इज दैट इंटरेस्ट और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हम करेंगे कैसे रोकेंगे कौन रोकेगा महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के पहले ही बाल ठाकरे ने घोषणा कर दी थी कि राज्य में शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री चाहे जिस दल का हो रिमोट कंट्रोल वे अपने हाथ में ही रखेंगे और आज सरकार बनने के बाद भी बाल ठाकरे अपने उसी बयान पर कायम है बाल ठाकरे ही महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं ये मैं जानता हूँ ये मैं बता चुका हूँ और बाल ठाकरे आज वहाँ बेताज बादशाह हैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और अनुभवी नेता हैं वो हमारे हाईकमांड हैं इसलिए हमें मार्गदर्शन करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार हमने तो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं सुनी थी और यदि ये सत्य है तो ये नॉर्मल सरकार नहीं है ये तो एक अबनॉर्मल सरकार भी विच कांग्रेस चीफ मिनिस्टर एवर हैड एनी इंडिपेंडेंस दे वर ऑलवेज रन बाय रिमोट कंट्रोल बाय द हाई कमांड ये सब तो ठीक है अगर ये बाल ठाकरे कहता है तो आप सब कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है बट इट्स नॉट ए न्यू फिनोमेनन इन इंडियन पॉलिटिक्स बाकी सभी दल ऐसा ही करते हैं कांग्रेस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष का नियंत्रण होता है कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें चलाता है फर्क सिर्फ इतना है बाकी लोग ढोंग में लिप्त हैं इसलिए वो इस बात को स्पष्ट नहीं कहते ठाकरे जी स्पष्टता से बोलते हैं इसलिए वो इस प्रकार का बयान देते हैं जैसे शिवसेना के MLAs ने मनोहर जोशी को अपना नेता चुन लिया तो अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं MLAs के तो उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करना कितनी ठीक बात है देखो ये MLAs ने नहीं चुना उनको मैंने बिठाया MLAs ठीक है वो मानना पड़ता है कि बट इलेक्शन एंड सिलेक्शन में फर्क करना ही पड़ता है इलेक्शन हो गया सिलेक्शन मेरा बन गया लेकिन डेमोक्रेसी में रिमोट कंट्रोल की बात ठीक है कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं काहे की यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई ना कहीं मैंने देखी ये चीफ मिनिस्टर आपसे डर के काम करते हैं नहीं बिल्कुल नहीं उनके आप जाके उनकी भी मुलाकात ले लो और यही सवाल पूछो उनको असलियत में तो एक प्रेशर उनके ऊपर रहता है हमेशा कितने ऐसे उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं बिना पूछ के मगर पॉलिसी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो मैंने किसी को भी नहीं छोड़ूंगा चाहे ये आज है वो कल दूसरा होगा या परसों वो सवाल नहीं है कल अगर आपको मनोहर जोशी को हटाना पड़ा नहीं तो कौन दूसरे हैं जिनको आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन आई हैव यू सी आई एम लकी इनफ टू हैव अ मैन लाइक हिम बीच में कुछ खबरें फैली थी कि सुधीर जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा बात मान लो कि मेरे यहाँ 5 लोग हैं पूरे के पूरे लायक ऐसे कोई आप शक भी नहीं ले सकते उनकी कामयाबी के बारे में पर क्या 5 तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते एक ही बनेगा क्या कोई जैसे कि महापौर की बात होती है एक बरस की टर्म होती है चलो बना दो तो अभी ये बन गई है बात मिस्टर मनोज जोशी विल कंटिन्यू बाल ठाकरे से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर हम और चर्चा करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद वैसे तो अमेरिकन कंपनी इनरॉन के दाभोल पावर प्रोजेक्ट को रद्द किए जाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है लेकिन बाल ठाकरे ने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह इस परियोजना का काम रोक देगी और हुआ भी यही इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला बाल ठाकरे के दबाव में लिया है जब इनरॉन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट हुआ उस समय इस एग्रीमेंट को सीक्रेट रखा गया कोई भी एक लोक प्रतिनिधि तो लोगों से चुनी हुई सरकार किसी भी एग्रीमेंट को ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं मान सकती थी उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं बुलाया गया था उस समय सारे विपक्ष में नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इस आवाज़ उठाने के बावजूद भी इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही रखा गया इसको विधानसभा में पहले MOU के पहले बहस हो सकती थी उसमें सरकार सारे लोगों को विश्वास में लेके बात कर सकती थी और ये न करने के कारण उसका विरोध रहा और हमने चुनाव का ये मुद्दा बनाया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो इसकी हम जांच करेंगे ये जो इल्ज़ाम है उनके ठीक नहीं है अच्छा हिंदुस्तान में ये पहला है क्या
1978 में टाटा को इजाज़त दी थी तब टेंडर नहीं मांगा था, आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, तब किसी ने कुछ कहा नहीं, वो प्रोजे कहाँ हैं, आज बम्बई को बिजली वही सप्लाई करता है। और बिना टेंडर MOU साइन करने का इस देश में 160 केसेस हो गई है, 160 में महाराष्ट्र में सिर्फ 4 है। नहीं नहीं, दिल में जो गड़बड़ है वो जो पुराने चीफ मिनिस्टर है उनको पता होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, पता लगा भी है। आई एम कंसर्न विद द नेचुरल, आई मीन द ग्रीन बेल्ट, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कोकन एरिया। तो आप सिर्फ ग्रीन बेल्ट की वजह से एनरॉन को कैंसिल करना चाहते हैं या कोई और भी वजह है? नहीं नहीं, और क्या वजह है, आई एम इंटरेस्टेड इन नेचर, एनवायरमेंट, वातावरण जो है वो मैंने खराब कर दूंगा। तो महाराष्ट्र में किसी दूसरी जगह जहां वो वातावरण को नुकसान ना हो लगाना चाहें तो आप लगाने की इजाजत दे देंगे उन्हें? इफ दे टेक केयर ऑफ दिस, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। एनरॉन ने आपको अप्रोच नहीं किया? कल ही वो आई थी, रेबेका मार्क, पहले भी आई थी, कल भी आई थी, काफ़ी देर ठहरी, मगर मैं क्या 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 कहूँ उनसे, क्या क्या बात है बाकी रही है। आपको नहीं लगता अगर एनरॉन डील कैंसिल करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये डर है तुम्हारे जो मन में है ना, उससे वो बहुत मात करते हैं आपके ऊपर। मैं कहता हूँ कि हु इज अमेरिका दैट टू डिक्टेट माई कंट्री। नहीं, एक असर तो पड़ेगा, NRIs को मैसेज जाएगा, बाहर की कंपनीज को मैसेज जाएगा। ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स प्लीज कम, वी हैव अ गेटवे ऑफ इंडिया व्हिच हैज नो डोर्स, आइए अंदर आइए। लेकिन इस तरह से जब एक बार प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए और काम शुरू हो जाए उसके बाद उनको हटाना अच्छा है? नहीं, आप बहुत ही महंगा एक प्रोजेक्ट हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, एक व्हाइट एलिफेंट ठीक है मगर ये व्हाइट एलिफेंट से भी ज्यादा होगा जिससे खिलाना बहुत मुश्किल होगा, और फिर अंधेरा ही अंधेरा। तो क्या पिछली सरकार ने कोई डील की थी एनरॉन के साथ जो गड़बड़ थी? ये सवाल ऐसे हैं कि जो बलात्कार करने वाला होता है तो कभी सबूत नहीं रखता, कोई रिश्वत लेने वाला होता है और देने वाला भी होता है, कोई रिश्वत नहीं रखता। तो पता है कि हुआ है मगर कोई सबूत नहीं होता है। आपकी सरकार को कोई ऑफर ऐसे नहीं मिला? होगी और मुझे पता लगेगा तो एक गवर्नमेंट कुछ यानी कि मिनिस्टर कोई भी होगा, चाहे चीफ मिनिस्टर हो तो भी, ही विल नॉट रिमेन देयर फॉर अ मिनट, माइंड यू दैट, नॉट फॉर अ मिनट। यस, आज भी मैं पैसा ले सकता हूँ एनरॉन से? कोई लोग कहते कि 100 करोड़ रुपया मिलेगा, 200 करोड़ रुपया में, नहीं 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 नहीं, अरे एक ना एक दुनिया को कहो, बताओ कि इस देश में ऐसा एक कोई आदमी है, वो एक पार्टी है कि आप खरीद कर नहीं सकते। बॉम्बे ब्लास्ट के दौरान AK-56 राइफल रखने के आरोप में टाडा के तहत गिरफ्तार फिल्म अभिनेता संजय दत्त की रिहाई करवाना बाल ठाकरे की प्राथमिकता में शामिल है। हालांकि संजय की गिरफ्तारी के लिए भी शिवसेना ने काफी एजिटेशन किया था। संजय दत्त के मामले में बाला साहब द्वारा स्टैंड चेंज करने का कारण आज भी लोगों की समझ में नहीं आया है। हमारे बारे में जो पिछले 2.5 साल से जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, मेरे ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, कि हम एंटी नेशनल हैं, हम देशद्रोही हैं, एक वहाँ एक अकेले एक स्टेट्समैन बाला साहब ही थे जिन्होंने ये शुरुआत की, ये कहा कि सुनील दत्त, उनकी धर्मपत्नी ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, ग्रेट पेट्रियाट्स हैं, इज ऑन रिकॉर्ड कि संजय दत्त और सुनील दत्त सब में यहाँ पर इलेक्शन लड़े हैं बाला साहब के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, बहुत रकीक किस्म की तकरीरें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर वो बेटा, उसका लड़का खुद चीफ मिनिस्टर समझते हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं और खुद ऐसा समझते हैं कि वो बेगुनाह है तो फिर उसको छोड़ दो। आपने कहा था कि संजय दत्त को छोड़ देंगे जब आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार आ गई, 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो अभी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहा होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए उनकी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करूँगा भी, लेकिन एक बात है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस है और कोई पूरा कानून ऐसे फेंक दे के वो तो बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन वी हैव टेकन अ कीन इंटरेस्ट टू सी दैट दिस बॉय डजंट सफर अननेसेसरली एंड ही इज सफरिंग अननेसेसरली। संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? द होल फैमिली, द नरगिस, द मिस्टर सुनील दत्त और ये सब लड़के लड़कियाँ, कैसे हम कहें कि सुनील दत्त तो आई थिंक इट वॉज अ चाइना वॉर, उस सरहद पर गए थे, पाकिस्तान के सरहद पर गए थे,
जवानों को उन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ये बताया किया। उसका बम विस्फोट किसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? बिल्कुल नहीं। दैट यू कैन चेक अप विद द सीबीआई पीपल। पहला रिपोर्ट में उनका ये कहना था, जज साहब के बात पहले आई तभी उन्होंने कहा कि इस लड़के का इसमें कोई बम विस्फोट में हाथ नहीं है, मगर जज ने नहीं माना। नहीं माना तो क्या करे, अंदर तो बैठना पड़ेगा। तो यह था शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की पर्सनालिटी का एक लेखा जोखा। पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ, बाला साहब ठाकरे समय के पाबंद और डिसिप्लिन पसंद है। आमतौर पर हर रोज सुबह 11 बजे से देर रात तक पार्टी कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे सुनना और सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले बाला साहब तमाम व्यस्तताओं के बावजूद दोपहर को बियर पीना और परिवार के साथ गप्पे लड़ाना नहीं भूलते। अब आइए एक नजर बाला साहब की फैमिली और लाइफ स्टाइल पर। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बाल ठाकरे थोड़ा बहुत वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी बिताते हैं। उनके दो बेटे जयदेव और बिंदु फिल्म और कैसेट के व्यवसाय में हैं, जबकि उद्धव को राजनीति में खासी दिलचस्पी है। इधर बाल ठाकरे पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगने लगे हैं। शिवसेना के भीतर और बाहर ये आम धारणा है कि ठाकरे के भतीजे राज और छोटे बेटे उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिवसेना की युवा इकाई विद्यार्थी सेना की कमान बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के हाथों में है, जबकि उद्धव जनवरी 89 से पार्टी के दैनिक अखबार सामना का कार्य संभाले हुए है। चर्चा तो इस बात की है कि शिवसेना प्रमुख अब खुले रूप में राज की बजाय उद्धव को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरे बाल ठाकरे ने अपनी बहू को शिवसेना की महिला इकाई का अध्यक्ष बना दिया है। इंदिरा गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन आप भी तो परिवार को बढ़ा रहे हैं। किधर? बेटा है आपका, भतीजा है, बहू भी अब महिला विंग की प्रेसिडेंट। मैं शिवसेना प्रमुख जब भी बना, इससे पहले मेरी शादी हुई और लड़के पैदा हुए, इससे मुझे ये नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि मैं शिवसेना प्रमुख बनूंगा, बाद में घरानेशाही शुरू हो जाएगी। घरानेशाही क्या होती है? डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछता कि आपका लड़का डॉक्टर हुआ तो ये क्या घरानेशाही नहीं है? जब भी मुझे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपका, आप व्यंग चित्रकार है, आपके लड़के ने कोई ये आपकी कला नहीं ली, हासिल नहीं की, तो मैं कहता हूँ कि नहीं वो फोटोग्राफर में। क्यों? अभी ये क्यों सवाल यहाँ आता है? पॉलिटिक्स में ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप कि आप इतने बड़े लीडर बन गए, क्या आपके घराने में कोई आपके रास्ते पर चलने वाला है कोई? और जब भी मैं कहता हूँ हाँ ये होंगे, अरे कैसी बात है, आप फैला रहे हैं आपके घरानेशाही। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन राजीव गांधी एंड माई पीपल, माई सन्स। आई एम नॉट गोइंग टू पुट देम ऑन योर थिंग्स, सर पर मैं नहीं बिठाऊंगा, इनमें कोई कर्तृत्व होगा, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। मैंने कभी यह नहीं किया, नहीं तो आज भी मैं राज या उद्धव को मिनिस्टर बना सकता हूँ। बिल्कुल, अखबारों में तो छपता है कि उद्धव दूसरा संजय गांधी है। आई यूज टू एडमायर संजय गांधी, ही वॉज अ बोर्न बॉय एक्चुअली, बिफोर मी ही इज अ बॉय, ही वॉज अ बॉय। राजू से ये होता तो देश का पूरा नक्शा बदल जाता, पूरा नक्शा बदल जाता, इसमें शर्म की क्या बात है? ये कोई गाली नहीं है। आपके छोटे बेटे के बारे में भी अखबारों में छपा कि उसने नेशनल पार्क में जाके जबरन शिकार किया और पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी और उसको सरकार का प्रोटेक्शन था, गैर कानूनी काम किया। सरकार को पता था ना, मुझे पता था कि मेरा लड़का वहां जाएगा, कोई शिकार करेगा, अरमान लो कि उन्होंने हरिन को मारा होगा, तो किसी फोटोग्राफर ने उसका वो फोटो लिया भी है। आपके हिसाब से घटना गलत रिपोर्ट हुई है? गलत नहीं, इसमें एक दूसरी बात होती है, ये मेरा लड़का है और किसके लड़के मार, कितने भी बात कर, शेर भी मारते हैं तो कोई नहीं सवाल उठाते हैं। बैनर लाइन वॉज गिवन बाई टाइम्स ऑफ इंडिया और एनरॉन सेकंड प्रेफरेंस। आज तो एनरॉन की बात हो रही है पूरी दुनिया में और यहाँ तो मेरे लड़के के शिकार की बात हो रही है।
नहीं, अखबार वालों तो आपके बेटे की बात इसलिए हाईलाइट की क्योंकि आप वो न्यूज़ की वजह से सर्कुलेशन क्योंकि बाल ठाकरे के बेटा और बाल ठाकरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का। मैं तो कभी दखल भी नहीं देते इन लोग, ये लड़के क्या करते हैं क्या नहीं, जब तक वो कोई बेकानूनी बात नहीं करते, कोई गर्द पाउडर या कोई ब्राउन शुगर नहीं बचते, तब तक मुझे कोई दखल देने की कोई सवाल भी नहीं मेरे यहाँ सामने। शिकारी तो है ही, वो जाता भी है कि बहुत ही कोई ऐसे दोस्त है, कभी दारा कोंडके के साथ जाता है, कभी पुराने जो मिनिस्टर थे उनके लड़के के साथ गए थे, वो कभी बात नहीं आई। आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर स्टिंक इन दैट एक्चुअली, कि वो मेरा लड़का है इसके लिए बैनर लाइन। अच्छा, आप अपना उत्तराधिकारी शिवसेना में किसे बनाएंगे, उद्धव को या राज को? नहीं नहीं, वो बहुत ही ऐसे, ये सवाल आप नरसिंह राव को क्यों नहीं पूछते, ना कभी ये सवाल आपने शरद पवार को पूछा, मुझे क्यों ये सवाल पूछा जाता है? और मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी जल्दी क्या है, किसको जल्दी है? पता है, ऐसा लगता है कि कोई राज ने कोई ऐसी जल्दी नहीं बताई, ना उद्धव ने बताई कि चले बाप बैठा तो चले, जगह खाली नहीं होती है और जब तक हैं तो जगह नहीं मिलेगी। अपने चाचा बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहे राज ठाकरे पर शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं पर धौंस जमाने और पार्टी गतिविधियों में अनावश्यक रूप से दखल अंदाजी के आरोप लगते रहे हैं, जबकि राज इन आरोपों से इनकार करते हैं। और बस हम काम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। इन्हें आज गवर्नमेंट आया तो गवर्नमेंट आने के बाद हमने मिनिस्ट्री तो नहीं मांगी, और कुछ मांग नहीं रहे कि हमें कुछ, भाई आप हमें लीडर मानो या शिवसेना के लीडर करके हमें डिक्लेयर कर दो, ये भी तो नहीं कह रहे हैं। सीधा काम कर रहे हैं, सिर्फ एक यानी कि अभी शाखा प्रमुखों के बदल या जब ये टिकट देते हैं इलेक्शन के, तो लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास आने के बाद वो कुछ बातें करते हैं कि भाई भाई ये आदमी वैसा है, ये आदमी ऐसा है वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें हैं जो पहले बाला साहब करते थे, अभी उनके ऊपर बोझा बहुत है, तो ये किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो ये लोग हम ये बातें हम करते हैं। बाल ठाकरे के जितने प्रशंसक हैं उससे कहीं ज्यादा आलोचक। आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का विरोध करते हैं, पर बॉम्बे के प्रोमिनेंट लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वे बड़े बड़े उद्योगपति हों या फिल्मी सितारे। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो बाला साहब को नापसंद करने के बावजूद उनके खिलाफ कुछ बोलने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हमने कुछ फिल्मी हस्तियों और राजनीतिज्ञों से जानने की कोशिश की है कि वे बाला साहब के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बाला ठाकरे से एक खुले दिल का, अपने दिल की बात स्पष्टता से कहने वाला, दिल में अलग और जबान पर अलग ऐसी बात नहीं है, और लोगों की, गरीब लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई तो उनको तकलीफ होती है, इस तरीके का बहुत अच्छे दिल वाला नेता मैं मानता हूँ। मेरी नज़रों में बाल ठाकरे अपनी पार्टी के मार्गदर्शक हैं, उन्हें पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं होगा, वो पॉलिटिशियन से भी ऊपर हैं, वो कुछ हद तक अपनी पार्टी की नज़रों में और महाराष्ट्र की राजनीति की नज़रों में वो कुछ चाणक्य की तरह समझे जाते हैं, जाने और माने जाते हैं। उनके मामले में अंग्रेजी में कहा जा सकता है यू मे लव हिम, यू मे नॉट लव हिम, बट यू डेयर नॉट इग्नोर हिम। बाल ठाकरे जी को एक साधारण नेता की जो परिकल्पना होती है उसमें वो बैठते ही नहीं है। वो स्वयं हमेशा कहते हैं कि मैं मूलतः एक व्यंग चित्रकार हूँ, और इसे मुझे लगता है कि ये मूलतः व्यंग चित्रकार और बड़ा सीधा साधा आदमी है। राजनीति को वो व्यंग चित्रकार की नज़रों से देखता है, जो उसे अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जो बुरा लगता है वो बुरा कहता है। बाला साहब पहले क्या थे अब क्या हैं, वो तो एक मज़मून बड़ा तवील हो जाता है। हम लोगों ने ये समझा था कि वो बड़े जाबिर आदमी हैं, तमाम मुस्लिम माइनॉरिटी ने एक बहुत तशवीश महसूस की कि अब ये हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे। मैं मिला तो पहले भी था, अब की बार भी जब मुझे मुलाकात हुई तो बड़ी
अखलाक से पेश आए, बड़े अच्छी तरह पेश आए। मैं बाला साहब को काफी सालों से जानता हूँ। पॉलिटिकली मेरा इंक्लिनेशन इतना नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, वो जो उनके दिल में है वो उनके जबान पे है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में और दिमाग में कुछ और बात है और वो कुछ और बात कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में शुगर कोटिंग कहते हैं, वैसे नहीं है। बाल ठाकरे ने एक शॉर्टकट ढूंढा है पावर तक पहुंचने का। एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाओ और एक दूसरी कम्युनिटी को उस पर मुत्तहिद करो। लेकिन बाल ठाकरे साहब और उन जैसे लोगों की ये सब हरकतें चलने वाली नहीं है। इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बाल ठाकरे जैसे लोग आए हैं और चले जाएंगे। बाल ठाकरे एक बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी, बंबई से बाहर उसको कानपुर में सभा करने के लिए बुला लीजिए तो डर के मारे नहीं आएगा, इतना बुजदिल आदमी है। और बंबई में कुछ महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करके और गैर मराठों के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाला व्यक्तित्व, उसका नाम बाल ठाकरे है। बाला साहब जो है बहुत ही जज्बाती आदमी है। अगर उनके मन में ये एक चीज हो जाए कि ये आदमी सही है, ख्वा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, वो उसके साथ हैं। मैं कह सकता हूँ ये महान लीडर है, आप कह सकते हैं कम्युनल लीडर है, लेकिन व्हाट यू कांट डिनाई अबाउट बाल ठाकरे इज दैट ही इज अ लीडर विद स्टेइंग पावर, एंड इन दैट सेंस अलोन ही इज अ सिग्निफिकेंट लीडर। बाल ठाकरे रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन फीलिंग अमंग महाराष्ट्रियंस और 1980 के बाद अमंग हिंदूज जनरली। ही रिप्रेजेंट्स aspirations of a kind that have not been fulfilled. Unki sari importance, sari politics isi baat pe munassar karti hai ki wo aisi baat kare jisse ki sampradayikta, communism badhke, aur yahi unki importance hai. Aur yahi isi tarike ke bhashan karte hain, isi tarike ke karname karte hain taki ye desh sampraday mein badh jaye, भाई भाई आपस में लड़ जाएं, जितना जितनी लड़ाई होगी, जितना खून बहेगा उतना ही उनका फायदा होता है। बाल ठाकरे ने तो एक, मैं समझता हूँ कि व्यवसाय बनाया है, एक पूरा इंडस्ट्री बना दिया है फिरका परस्ती को और धर्म के इस्तेमाल को, उन्होंने एक इंडस्ट्री बना दिया है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने उसको फैलाया है। सत्ता में कभी कुर्सी नहीं लेते वो, कभी पोजीशन नहीं लेते, कभी वो दूर से बैठकर तमाशा देखते हैं, वो चिंगारी फेंकते हैं और तमाशा देखते हैं आग लगा के। तो अभी ऐसा आदमी जो है वो कहाँ आपको देश में मिलेगा। दूसरे लोग कम से कम आग लगाते हैं तो अपने हाथ भी जला लेते हैं, वो दूर से सिर्फ हाथ तापते हैं। बाल ठाकरे किसी जगह वो कहते हैं कि मैं मुझे तो किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बम्बई में सारी सरकार वही चलाते हैं। तो उनको बेसिकली इज अ पावर क्रेजी मैन, ही वांट्स पावर, ही वांट्स मनी। शिवसेना के लोग आज बंबई के अंदर जिस तरह से भत्ता वसूल करते हैं दुकानदारों से, कारोबारी लोगों से, बिजनेसमैन से, वो सब जानते हैं अच्छी तरह, सब बताने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार को बने कम से कम 100 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो कोई ऐसी वारदात तो ही नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ कहें। क्योंकि आप बाला साहब को पसंद नहीं करते हैं इसलिए बाला साहब जो भी करते हैं गलत कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बड़े आदमी की, हर पॉपुलर आदमी के क्रिटिक्स होते हैं जो इस उसकी किसी भी बात को पकड़ के वो उसको उछालते रहते हैं। तो आमतौर पर देखा गया कि बाला साहब नॉट एट ऑल लाइक दैट। बाला साहब ठाकरे के बारे में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी आम जनता की नज़रों में, विशेषकर महाराष्ट्र और खासकर बंबई की जनता के नज़रों में, उनकी छवि है एक सेवियर की, एक प्रोटेक्टर की। देखो, हर एक आदमी में कोई अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, तो कई मेरे में भी होगी, मेरी कोई अच्छी बातें होगी, मेरे में लगता है होगी, तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बुरी तो छोड़ दीजिए, मगर अच्छी बातों के बारे में भी आपको ये कहूँगा कि आपको पसंद होगी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आई डोंट केयर।